सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम सब जानते हैं कि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के एक बड़े ही महान रचयिता हैं, और न केवल हमारे देश में ही अपितु विश्व में उनके अष्टाध्यायी के चर्चा है और अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त है। मित्रों, भाषा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम कल्पना कीजिए कि यदि भाषा ना हो तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे। हाँ, हम इंगित से, इशारों से या ध्वनियों के माध्यम से यद्यपि कुछ कुछ बात समझा सकते हैं, पशु पक्षी भी अपनी बात पहुंचा देते हैं किसी न किसी रूप में, परंतु यदि हम अपने मन के विचार, जो हमारे मस्तिष्क में जो कुछ भी विचार पनपते हैं या जो हम व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए भाषा के बिना हम इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। भर्तृहरि के शब्दों में, वाग रूपता चेन निष्क्रामेद अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाशः प्रकाशेत साहि प्रत्यवमर्षिणी। तो कहा कि जो वाग है, जो वाणी है, यदि वो निकल जाए इस संसार में से, हम में वाणी ना हो, अर्थात हम बोलने की सामर्थ्य ना हो, तो क्या होगा? किसी प्रकार से भी कोई प्रकाश नहीं हो पाएगा। प्रकाश का अर्थ है कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। मुझ में जो ज्ञान है वो मुझ में रह जाएगा और उस ज्ञान को मैं किसी और तक अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगी। और इसलिए संसार वाणी से, भाषा से ही चलता है। और भाषा का यदि बात करें तो भाषा शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध भाषा का प्रयोग करने पर ही हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए महाभाष्य में जब व्याकरण के प्रयोजन की बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से, महाभाष्यकार ने कहा कि यदि शब्द हम शुद्ध प्रयुक्त करते हैं तो वो मनुष्य को स्वर्ग लोक में और इस संसार में भी उसके समस्त इच्छाओं को पूरा करता है, अर्थात उसको जीवन में, इस लोक में भी, परलोक में भी सफलता प्राप्त होती है। और यदि शब्द दोषयुक्त प्रयुक्त किए जाते हैं तो उस भाषा के प्रयोग से, क्योंकि अर्थ की अवगति नहीं होती है और कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है मित्रों कि भर्तृहरि ने अपने ब्रह्मकांड में स्पष्ट किया है कि वेद सर्वज्ञानमय है, और वेद को जानने के लिए भाषा की अत्यंत आवश्यकता है, व्याकरण की अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि तस्य प्राप्ति अनुकारश्च तस्य वेदो महर्षि भी एको अप्यनेक वर्तमेव समामनातः पृथक पृथक। तो मतलब जो ब्रह्म है वो क्या है, वो शब्द रूप ब्रह्म जो है, उसकी प्राप्ति का जो उपाय है वो क्या है, वेद ही है। और वेद का ज्ञान, वेद में क्या है, वेद में शब्द हैं, और वेद के शब्दों का सम्यक ज्ञान व्याकरण के बिना संभव नहीं है। इसलिए जब पतंजलि ने व्याकरण की बात की, अथ शब्दानुशासनम जब उन्होंने आरंभ किया तो उन्होंने कहा कि केशान शब्दानाम, तो उन्होंने कहा कि वैदिकानाम लौकिकानाम च, और उस समय उन्होंने बताया कि वेद की रक्षा रक्षो आगम लघु संदेह प्रयोजनम, व्याकरण का प्रयोजन बताते हुए कहा कि वेद, क्योंकि पहले ही कहा कि वेद ही समस्त ज्ञान राशि है, वेद ही ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है, इसलिए वेद की रक्षा ऊहु आगम लाघव और असंदेह ये व्याकरण के बिना संभव नहीं है। तो मित्रों, आपके सामने व्याकरण का महत्व मैंने प्रस्तुत किया और व्याकरण का प्रयोजन, व्याकरण लिखने का प्रयोजन प्रस्तुत किया। और ऐसा नहीं कि आचार्य पाणिनि से पूर्व व्याकरण रचा ही नहीं गए थे, उससे पूर्व भी व्याकरण थे, क्योंकि पाणिनि ने ही स्वयं अपने सूत्रों के माध्यम से अनेक वैयाकरणों के नामों का उल्लेख किया है। जैसे उन्होंने कहा है कि शाकटायन का नाम उन्होंने अपने उसमें उल्लिखित किया, और अन्य श्याम अपि दृश्यते कहकर भी उन्होंने अन्य वैयाकरणों के नामों का उल्लेख किया है, परंतु क्योंकि वो व्याकरण उपलब्ध नहीं है। हाँ मित्रों, हम कैसे कह सकते हैं कि पाणिनि ने अन्य व्याकरणों का अवश्य ही उनके को आधार बनाया होगा, क्योंकि कोई भी जब हम नया कार्य करते हैं तो किसी प्रकार से भी कोई हमारे सामने इस प्रकार से कोई जादू से कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाता, चमत्कार नहीं होता है।
उसका स्रोत कहीं ना कहीं अवश्य हमें प्राप्त होता है। ये प्रत्येक शोध की बात है, कोई भी शोध कार्य, कोई भी नया कार्य होता है तो उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं उसका स्रोत अवश्य होता है। महाकवि कालिदास ने भी जब अपने रघुवंश महाकाव्य की रचना की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो रघुवंश महाकाव्य है वो सामान्य महाकाव्य नहीं है, इतना बड़ा रघुकुल का वंश है उसका वर्णन करना है। तो उन्होंने कहा है कि अथवा कृत वाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूर्य भी मणव वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति। तो यहाँ हर शोध के लिए, न केवल रघुवंश की रचना के लिए कालिदास ने कहा, अपितु कोई भी नया कार्य शोध कार्य करना है तो यदि उससे उसके विषय में हमें पहले कुछ थोड़ा सा आधारभूत कुछ बिंदु प्राप्त होते हैं तो हम उसमें नवीनता ला सकते हैं, उसमें और नए नए कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मणि है, उसको वज्र से अगर उसमें छेद कर दिया जाए तो सूत्र बहुत ही सरलता से धागा उसमें प्रवेश कर जाता है। तो यही बात है कि पाणिनि ने भी अपने पूर्व वैयाकरणों से अवश्य प्रेरणा ली होगी, जो कि उन्होंने अपने सूत्रों के माध्यम से भी स्पष्ट किया है, परंतु क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है आज, इसलिए जो महानता का जो श्रेय है वो पाणिनि को ही जाता है, पाणिनि अष्टाध्यायी को ही जाता है। देखिए, जो विदेशी विद्वान हैं वो लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, उन्होंने अष्टाध्यायी के विषय में कहा, अष्टाध्यायी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो मतलब कि विदेशी भी स्वीकार करते हैं कि पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण का महानतम ग्रंथ है, न केवल भारत में अपितु जितने भी विश्व के व्याकरण हुए हैं या वैयाकरण हुए हैं उनमें पाणिनि और उनकी अष्टाध्यायी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसके क्या कारण है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि का व्याकरण ही विश्व में समस्त व्याकरणों में सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका कारण यही है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें उन्होंने एक नई विधा का प्रयोग किया है। देखिए, वैदिक और लौकिक सभी शब्दों का अनुवाख्यान करना ये पाणिनि का मुख्य प्रयोजन था। और हम सब जानते हैं कि संस्कृत साहित्य, वैदिक ले लीजिए चाहे लौकिक ले लीजिए, उसका शब्द भंडार अनंत है और उन अनंत शब्दों को पूरे व्याकरण के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत कर देना ये एक सामान्य काम नहीं है। और पाणिनि ने उस काम को केवल मात्र 4000, लगभग 4000, क्योंकि अष्टाध्यायी का स्वरूप की जब बात करते हैं तो वहाँ उसमें सूत्रों की संख्या के विषय में कुछ कुछ मतभेद हैं, तो प्रमुख रूप से 3981 और 3996 के बीच में जो सूत्रों की संख्या मानी जाती है। तो आप कल्पना कीजिए मित्रों कि लगभग 4000 सूत्रों के माध्यम से कालिदास ने वैदिक एवं लौकिक संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उन सब का अनुवाख्यान कर दिया है। तो ये एक महानतम उपलब्धि है और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है अष्टाध्यायी की, पाणिनि की, कि उन्होंने जो अपने रचना की है उसमें उन्होंने सूत्र शैली का प्रयोग किया है। देखिए, सूत्र शैली अगर कहें तो सूत्र अर्थात बिल्कुल उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे वाक्य, जैसे कि हम इसमें गणित में देखते हैं कि एक फॉर्मूला होते हैं छोटे छोटे और उसको किस तरह से हम उसको विस्तार से उनको कार्यान्वित करते हैं अन्य जितनी भी समस्याएं हैं गणित से संबंधित उनको सुलझाने में, उसी शैली का प्रयोग करते हुए, सूत्र शैली का प्रयोग करते हुए पाणिनि ने अपने छोटे छोटे वाक्यों में उन सूत्रों को दिया है। और उनके जो सूत्रों की व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि हम एक भी सूत्र यहाँ से वहाँ कर देते हैं तो भट्टोजी दीक्षित जैसे जो व्याकरण हैं, यदि उनका व्याकरण या उनकी अनुवृत्ति हमारे सामने ना हो तो पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों को हम निकाल कर वहाँ से उसका स्थान परिवर्तन करके हम चाहें कि उन्हें अलग से देखें और अर्थ प्राप्त करें, ये संभव नहीं है। तो ये व्यवस्था इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में अपने सूत्रों को संक्षेप में
निबद्ध किया है और उस संक्षेप के माध्यम से उसे एक छोटे से तीन पदों के, तीन शब्दों के सूत्र के माध्यम से हजारों जो शब्द हैं जो हम भाषा में प्रयुक्त करते हैं उनकी व्युत्पत्ति, उनका अन्वाख्यान किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी देन है अष्टाध्यायी की पूरे विश्व को। यदि हम अंग्रेजी का व्याकरण देखें, हिंदी का व्याकरण देखें, तो वहाँ पर हमें एक एक वर्ण, एक एक पद को कहना पड़ता है और उसे याद करना पड़ता है कि इसके साथ ये हो तो ये ए कब लगता है, एन कब लगता है, फॉर कब लगता है। परंतु पाणिनि ने अपने छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से, एक सूत्र से अनेकों जो समस्याएं हैं उनको सुलझा कर हमारे सामने एक व्यवस्था प्रस्तुत कर दी, जो कि पाणिनि की एक बहुत बड़ी देन है। अष्टाध्यायी के यदि स्वरूप की बात करें तो अष्टाध्यायी आठ अध्याय, जैसा कि अष्टाध्यायी नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें आठ अध्याय हैं और आठ अध्यायों में प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत पाद हैं और प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद हैं और प्रत्येक पाद के अंदर सूत्र हैं। अब पाणिनि ने जो आठ अध्याय लिखे हैं उनमें हमें थोड़ा सा उनका स्वरूप, किस प्रकार से उन्होंने उन सूत्रों में, उन सूत्रों की व्यवस्था कैसे की, अध्यायों की व्यवस्था कैसे की, उसका थोड़ी सी जानकारी आवश्यक है अपने प्रमुख विषय पर आने से पहले, क्योंकि ये प्रमुख विषय प्रत्ययों पर है और प्रत्यय पाणिनि की अष्टाध्यायी में ही का ही एक बहुत बड़ा भाग है। तो पाणिनि ने जो व्यवस्था की है उसमें देखिए जो अध्याय एक और अध्याय दो हैं उसमें उन्होंने संज्ञाएं तथा परिभाषाएं वर्णित की हैं। अब देखिए ये संज्ञा और परिभाषा ये पहले और दूसरे अध्याय का वर्ण्य विषय है और ये पाणिनि के सूत्रों के को समझने से पूर्व इन संज्ञाओं और परिभाषाओं का समझना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि पाणिनि ने जैसा कि मैंने कहा कि संक्षेप शैली का जो है वो उसमें अपने अष्टाध्यायी में प्रयोग किया है। तो इसलिए जब वो जब हमें संज्ञा का अर्थ नहीं होगा, उन्होंने जैसे अनेक संज्ञाओं का किया है, कृत्रिम भी अकृत्रिम भी, कई संज्ञाएं पुराने चली आ रही हैं जैसे गुण है, वृद्धि है, उसके बाद आपका टी संज्ञा, कृत्रिम संज्ञा, घू संज्ञा है, ये भी कृत्रिम संज्ञा है। तो इस प्रकार से पाणिनि ने संज्ञाएं जो हैं अपने सूत्रों में प्रयोग की हैं और उन संज्ञाओं का क्या अर्थ है, उन संज्ञाओं के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम अष्टाध्यायी के आगे आने वाले सूत्रों के माध्यम से जो कुछ भी प्रक्रिया सिद्धि करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रकार से परिभाषाओं का भी बहुत महत्व है, तो परिभाषाएं जो है उनके बिना जो है हम पाणिनि अष्टाध्यायी जो है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो पहला और दूसरा अध्याय अष्टाध्यायी का, ये इसमें उन्होंने संज्ञाओं और परिभाषाओं की विस्तृत जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की है, जो कि पूरे के पूरे अष्टाध्यायी में इनका जो है प्रयोग होता है। उसके बाद तीसरे से लेकर पांचवा अध्याय, देखिए तीन पूरे अध्याय, अध्याय तीन, अध्याय चार और अध्याय पाँच, ये तीनों अध्याय प्रत्ययों से संबंधित हैं। तो हम समझ सकते हैं कि भाषा में, भाषा की दृष्टि से, वाक्य रचना की दृष्टि से प्रत्ययों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि पाणिनि ने भी पूरे के पूरे तीन अध्याय इन प्रत्ययों को समर्पित किए हैं। उसके बाद जो छठे से जो आठवां अध्याय है उन्होंने उसको प्रत्ययेतर, प्रत्ययों से भिन्न जो अन्य विषय हैं, जैसे कहाँ लुक होता है, अलुक होता है, फिर वेद में स्वर, वैदिक स्वर हैं तो उपसर्ग हो तो स्वर क्या किस प्रकार से होता है, और यदि प्रत्यय है तो प्रत्यय पर स्वर कहाँ होता है, तो इस प्रकार से उन्होंने जो एक पद और वर्णों से संबंधित जो नियम हैं वो सामान्य नियम वो छठे से आठवें अध्याय के अंतर्गत पाणिनि ने दिए हैं। तो ये संक्षेप में पाणिनि के अष्टाध्यायी का वर्ण्य विषय है। और यदि हम इसको और थोड़ा सा जो अध्याय के अनुसार देखें तो जैसे अध्याय एक है तो उसमें क्या है, उन्होंने एक तो पारिभाषिक एवं संज्ञा संबंधी नियम दिए हैं, दूसरा अतिदेश के नियम दिए हैं, आत्मनेपद के नियम दिए हैं और कारक संबंधी नियम दिए हैं। ये एक वाक्य में
जब हम संरचना करते हैं, जब हम वाक्य रचना करते हैं, तो उसमें जो जिन पदों का, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनमें कारक का विशेष महत्व है। फिर हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो क्रिया में जो वो क्रिया आत्मनेपद होनी चाहिए, परस्मैपद होनी चाहिए, तो उनसे संबंधित जो नियम है ये अध्याय एक में दिए हैं। इसी प्रकार से समास जो है वो भाषा का एक बहुत ही हम क्या कहेंगे, बड़ा ही सुंदर विषय है। भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, हमारे वाक्यों में संक्षेप लाने के लिए जो है ये समास का प्रयोग जो ये अत्यंत उपयोगी है। और समास के संबंध में जितने भी नियम समास और कारक के संबंध में, उसके बाद समास में जो संख्या तथा लिंग जो है, वचन कौन सा होना चाहिए किस समास में, लिंग कौन सा होना चाहिए, इसका निर्धारण करने से संबंधित नियम ये हमारे दूसरे अध्याय के अंतर्गत मिलते हैं। उसके बाद जो मैंने आपके सामने दूसरा अध्याय दूसरा भाग था अध्याय 3, 4, 5, तो इसके अंतर्गत प्रत्यय प्रकरण है ये। तो यहाँ पर देखिए जो प्रत्यय है वो एक बहुत बड़ा विषय है हमारे सामने, क्योंकि हमारा मुख्य विषय प्रत्ययों पर है। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वाक्य क्या होता है, क्योंकि ये प्रत्यय का प्रयोग करके जो हमारे सामने शब्द बनते हैं उनको हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो वाक्य, जैसा कि मैंने कहा कि वाणी या भाषा के बिना जो जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती है, कोई कार्य नहीं हो पाएगा, तो वो भाषा जो है वो भाषा की इकाई क्या है, भाषा की इकाई वाक्य है, क्योंकि वाक्य ही भाषा के भाषा में प्रयुक्त होता है, वाक्य ही अर्थ की इकाई है। यदि हम कहें कि वाक्य में प्रत्येक पद का अपना अर्थ है, हाँ इस दृष्टि से है उस वाक्य को समझने के लिए, लेकिन उन पदों के माध्यम से जब वाक्य की अभिव्यक्ति हो जाती है तो उस समय वाक्य ही अर्थ की अवबोधक इकाई होती है, उसमें भिन्न अलग अलग पदों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। यही बात, इसी को यही संस्कृत का व्याकरण दर्शन है, और इस पर पतंजलि और पाणी भर्तृहरि ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। व्याकरण दर्शन के जो तत्व हैं वो भर्तृहरि ने संस्कृत का जो ये व्याकरण है अन्य दर्शनों के समान ही इसको भी व्याकरण के दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। और उन्होंने कहा कि जो जिस प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति ही मनुष्य का लक्ष्य होता है, इसी तरह से शब्द रूपी ब्रह्म, और वो शब्द रूपी ब्रह्म क्या है, वो जो अखंड वाक्य है जो कि अर्थ अभिव्यक्ति की इकाई है, वही और हमारे अंदर विद्यमान है वही शब्द ब्रह्म है, और उसी की प्राप्ति के लिए पदों का की कल्पना की जाती है। तो देखिए मित्रों, चाहे भर्तृहरि ले लीजिए संस्कृत के व्याकरण, जो कि दार्शनिक दृष्टि से ये मानते हैं कि वाक्य ही जो है वो अर्थ की अखंड इकाई है, या फिर आप उनको ले पदवादियों को ले लीजिए, न्यायिक इत्यादियों को ले लीजिए, और उनका मत है कि पद समूह वाक्यम, वाक्य और कुछ नहीं है, पदों का ही समूह है, पद ही मिलकर वाक्य बनाते हैं। तो कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि पदों के बिना वाक्य की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, चाहे उसको हम काल्पनिक माने चाहे उनको सत्य माने। तो पद क्या है तो ये जानना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि संस्कृत में जब हम वाक्य रचना करते हैं तो हम उसमें पदों का प्रयोग करते हैं। अपदम न प्रयुंजेत, हम बिना पद के हम किसी भी शब्द को, मूल शब्द को हम संस्कृत में व्यवहार में वाक्य में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें किसी प्रकार के अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो पद बनाने के लिए, पद विधि, पद कैसे बनते हैं, तो पद बनते हैं पद की परिभाषा पाणिनि ने दी है, सुप तिंगंतम पदम, अर्थात जब सुप लग जाता है या सुप और तिंग लग जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। तो सुप लगने से पहले, सुप जैसा कि पाणिनि ने सुप के विषय में ये संक्षेप में है, ये प्रत्याहार है सुप, और सु औजस जो पाणिनि का एक सूत्र है, सु औजस अमौजस ताभ्याम बिस, और अंत में उसके सुप आता है सप्तमी बहुवचन में, तो सु और प को लेकर जो 21 विभक्तियां हैं वो सुप कहलाती हैं, और
इसी प्रकार से धातुओं से लगते हैं जो प्रत्यय उनको तिंग कहते हैं, और ये भी 18 जो प्रत्यय हैं जो क्रियापद बनाते हैं, तिप्तस झी सिप्तस त मिप वस्मस, ये सब परस्मै पद के, उसी प्रकार से त आताम झ था सा ताम ध्वम इड वैंग महिंग, ये जो हैं अंत में जो ङ है ति और ङ को लेकर एक जो प्रत्याहार तिंग बनता है, तो ये भी तिंग प्रत्यय। तो सुप्तिंग अंतम पदम, पद क्या है जिससे सुआदि विभक्तियां लगती हैं वो पद होता है, और तिंग क्या है जिसमें तिप्तस जी आदि जो विभक्तियां हैं वो जो प्रत्यय हैं वो लग जाते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये पद हैं और इन्हीं का प्रयोग वाक्य में होता है। अब इनका प्रयोग वाक्य में होता है तो ये विभक्तियां लगने कहाँ लगती हैं, किन से लगती हैं, कब लगती हैं, तो ये इसके लिए एक ये बड़ा प्रश्न है कि ये विभक्तियाँ कहाँ लगती हैं। तो इसके लिए इसमें कहा गया कि दो सूत्र दिए हैं कि जो विभक्तियाँ किससे लगती हैं। तो एक सूत्र है ज्ञाप प्रातिपदिकात और दूसरा है कृतद्वित समासश्च, ये दो सूत्र हैं जिनसे विभक्तियाँ लगती हैं। अब क्या है कि यहाँ पे दो सूत्र क्यों दिए, न्याप नी आप प्रातिपदिकात और उसके बाद दूसरा सूत्र या अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, और उसके बाद कहा उन्होंने कि ये विभक्तियाँ जो हैं ये नी आप जो है ये स्त्री प्रत्यय हैं, नीप नीश और नीन ये स्त्री प्रत्यय हैं, इसी प्रकार से आप टाप और चाप ये भी स्त्री प्रत्यय हैं, और उसके बाद तीसरा दिया प्रातिपदिकात। तो ये जो सु आदि विभक्तियां हैं ये नी प्रत्यांत नीश प्रत्यांत और नीन प्रत्यांत, ये जो स्त्री प्रत्यय दिए गए हैं उनके बाद उनको पद बनाने के लिए सु आदि विभक्तियां लगती हैं। इसी प्रकार से टाप चाप भी स्त्रीलिंग बनाने के प्रत्यय हैं और स्त्रीलिंग बनाने के बाद उनसे सु आदि की उत्पत्ति होती है। और तीसरा जो उन्होंने कहा प्रातिपदिकात, तो प्रातिपदिक से जो है भी विभक्तियां से विभक्तियां लगती हैं। तो यहां पे देखिए प्रातिपदिक से विभक्तियां लगती हैं तो क्या नी प्रत्यय लगने पर या आप प्रत्यय लगने पर जो प्रातिपदिक नहीं होता है क्या, उसको नी और आप को अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? तो आचार्य पतंजलि ने यहाँ महाभाष्य में हमारे सामने ये स्पष्ट किया है कि यद्यपि जो है जब प्रातिपदिक कहा तो लिंग विशिष्ट प्रातिपदिक भी इसका अर्थ इसी के अंतर्निहित है, परंतु उन्होंने अलग से जो कहा नी आप प्रातिपदिकात, तो उनका अलग से कहने का प्रयोजन यही है कि जो तद्धित आदि प्रत्यय आगे लगने हैं वो नी आप प्रत्यय लगने के बाद लगेंगे, उनसे पहले नहीं लगेंगे, ये बताने के लिए उन्होंने नी और आप जो है इसको अलग से दिया। अन्यथा प्रातिपदिक कहने से ही ये जो नी और आप का भी समावेश हो जाता था। अब देखिए प्रातिपदिक से सु आदि विभक्तियां लगती हैं, तो प्रातिपदिक क्या है ये जानना अत्यंत अनिवार्य है। तो प्रातिपदिक के लिए पाणिनि ने दो सूत्र दिए हैं, एक दिया उन्होंने अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और दूसरा दिया कि प्रातिपदिक क्या है कृत तद्धित समासश्च, अर्थात पहला सूत्र है कि अर्थवत अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात अर्थवत अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, अधातु अर्थात जो धातु ना हो, और अप्रत्यय जो प्रत्यय ना हो और प्रत्ययांत ना हो, उसको हम प्रातिपदिक कहेंगे। तो और दूसरा जो सूत्र उन्होंने दिया वो दिया कृत तद्धित समासाश्च, इसका अर्थ है जिससे कृत प्रत्यय लगे हों। ये कृत और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं इसका विस्तृत विवेचन आगामी व्याख्यानों में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ अभी मैं सिर्फ प्रातिपदिक स्पष्ट करने के लिए आपके सामने बता रही हूँ दो सूत्र, और कृत प्रत्यांत उसके बाद तद्धित प्रत्यांत और समास, इनसे सुआदि जो विभक्तियाँ जो हैं वो लगती, कृत तद्धित समासश्च इनको हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो देखिए प्रातिपदिक के लिए ये जो दो सूत्र देने के पीछे क्या कारण है
इसके विषय में भी थोड़ा हमें जानना चाहिए, क्योंकि आचार्य यास्क ने अपने रो निरुक्त में ये दो जो है नियम दिए हैं, दो मत दिए हैं, एक के अनुसार नामान्य आख्यात जानी। उन्होंने कहा कि सभी नाम जो है वो आख्यात से उत्पन्न होते हैं, इसको हम कहते हैं व्युत्पत्ति पक्ष, और दूसरा एक पक्ष है अव्युत्पत्ति पक्ष, इसके अनुसार नाम सभी नाम जो है वो आख्यात अर्थात क्रिया शब्दों से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यदि हम व्युत्पत्ति पक्ष को मानते हैं कि सभी जो नाम हैं वो आख्यात से उत्पन्न होते हैं, तो जब हम कहते हैं तो उस पक्ष में हम कृत तद्धित समासाश्च से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, क्योंकि धातुओं से प्रत्यय लगकर प्रातिपदिक भी बनते हैं, धातुओं से प्रत्यय लगकर धातुएं भी बनती हैं, वो विषय अलग से है। तो यहाँ मैं प्रातिपदिक की बात कर रही हूँ कि प्रातिपदिक बनाने के लिए कृत और तद्धित प्रत्यय लगाकर धातुओं से कृत प्रत्यय लगाकर जो बनते हैं हमारे पास प्रातिपदिक, इसी प्रकार से शब्दों से प्रत्यय लगाकर बनते हैं प्रातिपदिक। तो यहाँ पे उन ये उस पक्ष में है जब हम कहते हैं कि नामान्य आख्यात जानी, जो नाम है वो आख्यात से उत्पन्न होते हैं, तो उस स्थिति में जो है प्रातिपदिक क्या है, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के अनुसार ये प्रातिपदिक संज्ञा उनकी हो जाती है। इसी प्रकार से जो दूसरा पक्ष है अव्युत्पत्ति पक्ष, उस पक्ष में उन्होंने कहा कि कौन से शब्द जो है वो प्रातिपदिक कहलाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई ना कोई उसका अर्थ होना चाहिए, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है ऐसा शब्द जो है वो प्रातिपदिक नहीं हो सकता, उससे सुवादि विभक्तियाँ नहीं होंगी। इसी प्रकार से धातु से विभक्तियाँ नहीं लगती हैं, धातु से तो लकारों का प्रयोग होता है जिसका कि हम अलग से विवेचन विस्तार से करेंगे, और फिर है प्रत्यय मात्र प्रातिपदिक नहीं होते हैं, और प्रत्ययांत भी प्रातिपदिक नहीं होते हैं, उनसे भी विभक्तियाँ सुवादि जो है सब जगह नहीं लगती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि प्रातिपदिक हो तो उसका हम प्रयोग वाक्य में यदि हम करना चाहते हैं तो उससे हमें विभक्तियाँ लगानी हैं, सुआदि विभक्तियाँ जो कि 18 विभक्तियाँ हैं, और वो विभक्तियाँ लगाने के लिए कारक का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है कि उस वाक्य में क्रिया के साथ उस शब्द का उस प्रातिपदिक का कैसा संबंध है, उस संबंध के अनुसार उसमें विभक्ति लगाई जाती है सुआदि, और विभक्ति लगाकर जब हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द पद होता है, और पद का प्रयोग करने से ही जो वाक्य जो है अपने अर्थ को प्रदान करता है। तो ये है सुप्तिगंतम पदम। अब सुबंत पद की बात की अभी हमने, अब हम आपके सामने तिंगंत पद, तिंग में समाप्त होने वाला भी पद कहलाता है। अब ये तिंग विभक्त जो है ये प्रत्यय की बात मैंने की, तो ये तिंग प्रत्यय धातुओं के अधिकार में आते हैं कि धातु से ये तिंग प्रत्यय लगते हैं। देखिए यहाँ मैं एक विशेष चर्चा करना चाहूँगी कि वाक्य में क्रिया का अत्यंत महत्व है, और वाक्य क्या जीवन में ही क्रिया का महत्व है, हम जो कुछ भी करते हैं जो कार्य करते हैं यदि हम क्रिया नहीं क्रियाहीन है तो उस व्यक्ति वो जो है क्रियाहीन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जब हम ये कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते हैं तो ये कुछ भी ना करना भी क्रिया है, क्रिया के बिना वाक्य क्रिया के बिना जीवन नहीं हो सकता, और इसीलिए उस जीवन को जो मैंने पहले ही बताया कि जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उसको एक दूसरे के तक पहुंचाने का माध्यम जो है वो भाषा है और वो वाक्य है, इसीलिए वाक्य में क्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। जो जब हम महाभाष्य पढ़ते हैं और जब हम पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो उसमें कात्यायन ने एक समर्था पद विधि एक सूत्र है अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, और उस सूत्र में एक प्रश्न उठाया है कि वाक्य क्या है, मतलब विशेष चर्चा के संदर्भ में ये प्रश्न उठा कि वाक्य क्या है। तब कात्यायन ने वाक्य के लक्षण देते हुए कहा आख्यातम, आख्यात को ही उन्होंने विशेष रूप से आख्यातम साव्यय
विशेष इत्यादि कहकर उन्होंने कहा कि जो आख्यात ही विशेषण अव्यय से युक्त जो है वो क्या है, वाक्य है। और दूसरे शब्दों में उन्होंने फिर कहा एक तिंग वाक्यम। तो यहाँ भी देखिए इसका अर्थ है कि कात्यायन ने वाक्य में आख्यात पद का बहुत ही महत्व माना है। आख्यात पद का प्रयोग यदि कर देते हैं तो यदि एक बार को नाम पद का प्रयोग, अन्य पदों का प्रयोग ना भी हो तब भी जो है वो हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पाणिनि ने जब तिंग अतिंग सूत्र का लिखा है तो उसकी व्याख्या में महाभाष्यकार ने स्पष्ट किया है कि पाणिनि ने जो तिंग अतिंग सूत्र की व्याख्या की, सूत्र लिखा है, उसका तात्पर्य यही है कि वो जो है अखंड वाक्य, पूरा का पूरा जो अखंड रूप में जो पदों के प्रयोग से, काल्पनिक पदों के प्रयोग से जो हमें अर्थ प्राप्त होता है, जो जो कुछ भी अभिव्यक्ति का साधन हमें मिलता है वही वाक्य है। लेकिन कात्यायन ने आख्यात को वाक्य के रूप में माना है। तो इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि वाक्य में आख्यात अर्थात क्रियापद का अत्यंत महत्व है। तो उसी क्रियापद की निष्पत्ति जो है उसके लिए जो है वाक्य में कैसे होती है, उन्होंने कहा क्योंकि वाक्य में पद का प्रयोग करना है तो जब हम धातु से तिंग प्रत्यय लगाते हैं तो तभी हम क्रिया की अभिव्यक्ति उसके माध्यम से करते हैं। शुद्ध धातु का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं जब तक उससे तिंग आदि ना लगे हों। और तिंग आदि कहाँ लगते हैं ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम धातु से तिंग प्रत्यय लगाते हैं तो धातुओं के अधिकार में, और पाणिनि ने सूत्र दिया लस्य, अर्थात लकारों के स्थान पर तिंग आदि लगते हैं। अब ये ल जो है ये एक हम कहेंगे कि ये प्रत्याहार है, और ये जो दस लकार लट लिट, उसके बाद है लुट लिट, फिर उसके बाद लट लिट लुट लोट, और फिर उसके बाद लिंग है, लिंग है, लुंग है, तो ये कुल मिलाकर लेट लकार है, तो ये कुल मिलाकर जो दस लकार हैं वो उन ल के अंतर्गत आते हैं, और उन सब के स्थान पर क्या क्या प्रयुक्त होते हैं, ये तिंग प्रयुक्त होते हैं। अब ये लकार क्या है, अब ये जो दस लकार हैं जो लट लिट लुट इत्यादि, ये दो क्रिया में जो दो अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, एक तो काल बोध कराने के लिए। देखिए क्रिया जब हम की जाती है तो वो किसी एक विशेष काल में नहीं होती है, वो भूतकाल में भी हो सकती है, हो भी चुकी है क्रिया, अब वर्तमान में भी हो रही है और आगे आने वाले समय में भी क्रिया होती रहेगी। तो वो क्रिया किस काल में हो रही है उस काल को बोध कराने के लिए लकारों का प्रयोग होता है, और वो लकार जो है वो लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम कहें भविष्यत काल की बात है तो भविष्यत काल के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं और साथ में हम लुट लकार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में तो जो है भूत भी, देखिए यहाँ भूतकाल भी कभी कभी तो इतना पुराना भूतकाल हो जाता है परोक्ष भूत, और कभी जो होता है वो अनद्यतन है, आज का नहीं है, आज से पहले कुछ भी भूतकाल की बात हो, और एक सामान्य भूत है कि आज भी अगर मान लीजिए आज से दो तीन घंटे पहले कोई क्रिया हो चुकी है तो वो भी भूतकाल की है। इसी कारण से भूतकाल में भी जो है लकार भिन्न भिन्न है, जैसे लंग लकार है, उसके बाद लिंग लकार है, लुंग लकार है, और लंग लकार, लुंग लकार, और तीसरा जो है लिट लकार, और उसके बाद एक और लकार जो वैदिक लकार है वो है लेट लकार, जो कि वेद में ही प्रयुक्त होता है। तो ये जो हमारे वर्तमान भूतकाल और भविष्यत काल को बताने के लिए जो लकार जो हैं उनका प्रयोग होता है, और उस लकार के अनुसार लट लकार में तिंग आदि विभक्तियाँ जो प्रत्यय लगते हैं और उनसे जो जो भी परिवर्तन होते हैं वो सारा जो है ये उनसे परिवर्तन के बाद जो क्रिया रूप बनता है वो पद कहलाता है और उसी का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लकार जो है वो कालबोधक भी हैं और अर्थबोधक भी हैं। अब जैसे मान लीजिए लोट लकार है, अब लोट लकार अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, जब हम आज्ञा अर्थ के रूप में जब इसका प्रयोग करते हैं तो जैसे मेरे लिए पानी लाओ तो ये आज्ञार्थक है,
तो यहाँ पर जो क्रियापद है ये आज्ञा अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से लिंग लकार के भी विधि लिंग लकार है, आश्रय लिंग लकार है, तो इस प्रकार से ये अर्थों में भी जो है लकारों का विभिन्न अर्थों में जो जिनसे काल का कोई संबंध नहीं होता है, इस प्रकार के अर्थों में जो है वो क्रियापद जब प्रयुक्त होते हैं तो भी लकारों का प्रयोग होता है। तो ये भिन्न भिन्न लकारों का हम प्रयोग करते हैं अपने वाक्य को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वाक्य में प्रयुक्त सुप होते हैं और वाक्य सुबंत होते हैं और वाक्य में तिंगंत का प्रयोग होता है। तो देखिए अब यहाँ पे अब अभी मैंने आपके सामने ये बताया कि धातुओं से तिंग आदि तिंग प्रत्यय लगते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि जो सुप सु आदि प्रत्यय हैं वो प्रातिपदिकों से लगते हैं। तो अब यहाँ पे शुद्ध धातुओं से भी ये तिंग आदि प्रत्यय लगते हैं और शुद्ध प्रातिपदिकों से भी लगते हैं, परंतु यदि प्रातिपदिक शुद्ध प्रातिपदिक के अतिरिक्त भी प्रातिपदिक और होते हैं जो प्रत्यय लगाकर बनते हैं। यहाँ मैं उसको बताने से पहले कि प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगाकर प्रातिपदिक बनते हैं, धातुएं बन जाती हैं, या धातुओं से प्रत्यय कुछ प्रत्यय लगने पर वो धातुएं ही बनती हैं अलग अर्थ वाली, और उनसे प्रातिपदिक भी बनते हैं, इस पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्रत्यय हैं ये एक बहुत ही विस्तृत और विशाल विषय है, क्योंकि प्रत्ययों का महत्व इतना है कि इस महत्व के कारण ही जो हमारा संस्कृत का जो शब्दकोश है ये विश्व में समस्त कोशों से बड़ा है, इसीलिए इसको हम विश्वकोश कहते हैं। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करके, संस्कृत के प्रत्ययों का प्रयोग करके हिंदी में, न केवल हिंदी में अपितु अन्य अनेक विदेशी भाषाओं, जर्मन में भी और अनेक विदेशी भाषाओं में भी और हमारी भारतीय भाषाओं में भी हम अनेक शब्दों का को सिद्ध कर सकते हैं इन प्रत्ययों के माध्यम से। और हम संस्कृत में भी असंख्य शब्द, असंख्य क्रियाएं, असंख्य धातुएं, असंख्य प्रातिपदिकों का निर्माण कर सकते हैं और भाषा में उनका प्रयोग करते भी हैं और कर सकते हैं। उससे न केवल भाषा में सौंदर्य आता है अपितु अर्थ में भी जो है वो गहनता और सुंदरता हमारे सामने उपस्थित होती है। तो ये था हमारे लिए प्रत्ययों का महत्व, और मैंने आपको बताया कि प्रत्यय जो हैं वो अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय से लेकर और अष्टाध्यायी के पांचवें अध्याय तक जो प्रत्यय जो हैं उनका विवेचन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्ययों की संख्या कितनी अधिक होगी हमारे सामने। तो यहाँ भी देखिए, जब प्रत्यय प्रकरण आरंभ करते हैं पाणिनि, तो तीसरे अध्याय के पहले पाद का जो पहला सूत्र है उसमें उन्होंने कहा कि प्रत्यय, पहला सूत्र है प्रत्यय, और इसकी व्याख्या करते हुए इसके विषय में कहा महाभाष्यकार ने अधिकारोयम आ पंचम समाप्ते है, और भट्टोजी दीक्षित ने इसके वृत्ति दी है, और काशिकाकार ने कहा आ पंचमाध्याय परिसमाप्ते यानित ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्याम प्रत्यय संज्ञास्ते वेदितव्या प्रकृति उपपद उपाधि विकार आगमान वर्जयित्वा। देखिए ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के अंतर्गत क्या आते हैं। तो यहाँ उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया कि तीसरे अध्याय से आरंभ करके और पंचम अध्याय तक जितने भी हमारे सामने प्रत्यय आते हैं, जो कुछ भी हम परिगणना जिनकी करेंगे वो सबको प्रत्यय कहेंगे, लेकिन उसमें प्रकृति को छोड़कर, उपपद को छोड़कर और उपाधि विकार आदेश को कहते हैं, आदेश को छोड़कर और आगमन को वर्जयित्वा छोड़कर, ये काशिकाकार ने हमारे सामने ये कहा कि इनकी प्रत्यय संज्ञा नहीं होगी, अन्य जो है वो सभी जितने भी परिगणित कराए गए हैं वो सारे प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ देखिए प्रत्यय है क्या, तो प्रत्यय का जो पाणिनि ने जब परिभाषा संज्ञा प्रकरण में
जब प्रत्यय की बात आती है तो वो था ना अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय एक सूत्र है, तो वहां पर अप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए भट्टोजी दीक्षित ने कहा कि प्रत्यय क्या है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अतः जिसका विधान किया जाता है, जिसको जोड़ा जाता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय जो है धातु या प्रातिपदिक के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इनको प्रत्यय कहते हैं। और महाभाष्यकार ने प्रत्यय का अर्थ देते हुए कहा यस्तमर्थम प्रत्ययति स प्रत्ययः, अर्थात प्रत्यय क्या है, जो अर्थ जिस अर्थ को देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, अगर वो अर्थ को प्रदान करता है तो वो प्रत्यय है। प्रत्ययों का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों के लिए किया जाता है, जब हम विस्तार से उसका वर्णन करेंगे तो उसको हम प्रत्यय कहेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि कुछ ऐसे प्रत्यय भी हैं जो स्वार्थिक हैं, स्वार्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चुरादी गण में णिच प्रत्यय है तो वो स्वार्थ में प्रयुक्त किया जाता है, तो वहाँ उस उसको देखते हुए आचार्य पतंजलि ने फिर उन्होंने कहा कि प्रत्यायते इति प्रत्यय, अर्थात जिसका ज्ञान होता है, जिसका जिसको लगाने से अर्थ अवगति हो जाती है तो वो प्रत्यय है, मतलब जो अर्थ को देता है वो प्रत्यय है और जिसका अर्थ हो जाता है वो प्रत्यय है। तो इस तरह से उन्होंने प्रत्यय का जो है लक्षण हमें अपने महाभाष्य में दिया है। और यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ के प्रत्यय की एक विशेषता ये है कि ये प्रत्यय जो है वो धातु और प्रातिपदिक के परे लगते, बाद में लगते हैं, तो उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया पाणिनि ने परश्च, अर्थात परश्च स भवति धातुर्वा प्रातिपदिकाद्वा यह प्रत्यय संज्ञा। तो ये एक विशेष बात जानना है कि प्रत्यय जो है वो धातु और प्रातिपदिक से बाद में लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न महाभाष्य में भी उठाया गया है कि परश्च सूत्र देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि तस्माद इत्युत्तर से, क्योंकि जो प्रत्यय लगते हैं वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके, जितने भी सूत्र हैं जिनमें प्रत्यय लगाए गए हैं जिन सूत्रों के द्वारा, वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए वहाँ पर जब पाणिनि ने एक परिभाषा दे दी तस्माद इत्युत्तर से, जिसके अनुसार यदि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके किसी कार्य को कहा जाता है तो उसके बाद वाले को कार्य होता है, तो पुनः उसको परश्च सूत्र देने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये भी कुछ जो है शंकाएं की गई हैं, तो लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके प्रत्यय जो है वो प्रातिपदिक या धातु के बाद लगाए जाते हैं। और प्रत्ययों के संबंध में, क्योंकि वेद में भी शब्द वैदिक शब्दों का भी अनवाख्यान व्याकरण के द्वारा होता है, तो इसलिए वैदिक स्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मंत्रों का जो उच्चारण, मंत्रों का गायन जो है वो उदात्त अनुदात और स्वरित स्वर के माध्यम से ही किया जाता है मंत्रों का गायन, तो इसलिए तो कौन सा वर्ण जब हम गायन करेंगे तो उसमें कौन सा स्वर जो है उदात्त होगा, कौन सा अनुदात्त होगा, कौन सा स्वरित होगा, ये भी जानना बहुत आवश्यक है गान के लिए, साम गान के लिए। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने दिया आद्युत्तात्तश्च, जो प्रत्यय है वो उनका जो आदि स्वर है वो उदात्त होता है। देखिए जब हम स्वर की तरफ जाते हैं तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम जो है वो सूत्र है, और उसी का ये अपवाद है कि जो प्रत्यय जो है इसका जो है पहला पद जो है वो उदात्त होता है। तो ये प्रत्यय के संबंध में ये दो तीन बातें जो है वो जानना बहुत ही आवश्यक है। अब जब आते हैं बात प्रत्ययों की, तो प्रत्यय जैसा कि मैंने बताया कि धातुओं से भी लगते हैं और प्रातिपदिकों से भी लगते हैं। अब ऐसे प्रत्यय जो धातु के अधिकार में आते हैं और धातु से लगने के बाद भी वो धातु ही बनाते हैं, और उससे फिर पुनः हम तिप्तस जी इत्यादि जो प्रत्यय लगाकर उनको क्रियापद के रूप में प्रयुक्त करते हैं, एक तो वो प्रत्यय हैं। और वो प्रत्यय जो हैं उनके संबंध में मैं बताऊंगी कि उनके वो प्रत्यय प्रमुख प्रत्यय हैं, उनमें एक तो है सन प्रत्यय, सन प्रत्यय
जैसे सन गुप्तिकिभ्य सन सूत्र द्वारा, फिर है मानबद्ध दान शान शानभ्यो दीर्घो अभ्यास से, फिर धातो कर्मण समान कर्तिकादिच्छायाम वा। ये कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिनके द्वारा किंच विशेष अर्थों में जो है सन प्रत्यय धातु से लगता है, धातु के अधिकार में आते हैं। और जब ये धातु से लग जाते हैं तो इन प्रत्ययों को लगने के बाद क्या ये प्रातिपदिक बनते हैं या धातु बनते हैं, तो इसके लिए जो सूत्र है सन यंगोश्च, सॉरी सूत्र है सनाद्यंता धातवः, अर्थात सन आदि जब ये प्रत्यय लग जाते हैं। अब सन आदि के अंतर्गत और भी प्रत्यय आते हैं, तो ये प्रत्यय जब धातु से लगते हैं तो इनसे जो भी जो हमारा शब्द बनता है वो जो कुछ उसको हम धातु की संज्ञा देते हैं, और धातु बनने के बाद ही वो पुनः उसका फिर हम तिंग आदि लगाकर क्रियापद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम कहते हैं सनाद्यंता धातवः, जब तक सनादि के अंतर्गत जो जो प्रत्यय नहीं आएंगे तो वो प्रत्यय लगने के बाद धातु नहीं होगा। और वो प्रत्यय कौन से हैं मैं प्रमुख रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक तो मैंने आपके सामने बताया सन प्रत्यय है, इच्छा अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसकी विस्तृत जानकारी हम बाद में जब हम सूत्रों को स्पष्ट करेंगे सन इत्यादि को तब बताएंगे। उसके बाद है यंग प्रत्यय है, ये यंग प्रत्यय जो है वो ये भी धातु से लगता है, और उसके बाद यंग प्रत्यय लगने पर धातु जो है वो धातु ही बन जाती है। इसी प्रकार णिच प्रत्यय है, णिंग प्रत्यय है, ये प्रत्यय धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। इसी प्रकार से धातुओं से कुछ प्रत्यय लगते हैं जो धातुओं को प्रातिपदिक बना देते हैं, तो वो प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं ये, जो धातुओं से जब उनको जोड़ा जाता है तो तब वो धातु धातु ना रहकर वो क्या बन जाती है, प्रातिपदिक बन जाती है। और प्रातिपदिक बनने के बाद उसके हम सु आदि विभक्तियां लगाकर हम उनसे हम जो है वो सुबंत पद बनाते हैं। और इसी प्रकार से धातुओं से कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जैसे क्यच प्रत्यय है, काम्यच प्रत्यय है, और भी क्यच प्रत्यय है। ये प्रत्यय ऐसे हैं जो कि जब धातुओं से लगते हैं तो ये धातु नहीं बनती है, ये प्रातिपदिक बन जाता है। और जब ये प्रातिपदिक बनते हैं तो ये सुपों से जब ये कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातुओं से लगते हैं और फिर वो उसको क्या बना देते हैं, धातु बनाते हैं और प्रातिपदिक बनाते हैं। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो सुबंतों से लगने के बाद उसको धातु बना देते हैं, तो इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। क्योंकि प्रातिपदिक बनने पर किस प्रकार से सुआदि विभक्तियां लगती हैं और प्रातिपदिक से लगने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं, ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय में जानना अत्यंत अनिवार्य है। क्योंकि एक शब्द अनेकों शब्दों का निर्माण इन्हीं प्रत्ययों की सहायता से होता है। धन्यवाद।